कंगन लाया कसम से भूल गया आज। माँ कसम मैं बिल्कुल मजे नहीं लाया यार, मैं रिकॉर्ड कर बंद कर ले। हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में करने वाले हम फोटोशूट, मतलब ये एक फोटोशूट ब्लॉग टाइप होने वाला है। और हम आ चुके हैं बहुत ही प्यारी जगह पे, यहाँ पे मस्त पहाड़ दिख रहे हैं पीछे। एंड आज का प्लान बेसिकली कुछ ऐसा था, मतलब मैं पहाड़ों में पिछले हफ्ते ही शूट करवा के आया हूँ, लेकिन मेरे साथ जो रितेश रहता है बंदूकबाज, इसकी चुल थी यार, मेरे को पहाड़ों में जाने कोई पहाड़ों में गया नहीं। एंड दिल्ली वाले लोग आपको पता है इनको पहाड़ देख के बहुत मज़ा आता है, तो आज मैं इसको पहाड़ों में लेके आया और मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, पहाड़ों में आज फोटो शूट करेंगे। तो भाई अभी हम इस जगह पे रुके हैं, यहाँ पे मतलब हम ऊपर पहाड़ों में चलते जा रहे थे और ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर मस्त ये पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। और यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो बहुत मस्त पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो खास बात जिसके लिए हम रुके हैं, यहाँ पे ना एक किसी की बाइक खड़ी हुई है जो कि मस्त एक माउंटेन वाली बाइक है, वहाँ पर दिखाओ वाली बाइक वो देखो, वहाँ पे ना एक किसी की बाइक खड़ी हुई है और मैंने सोचा कि इस पर हम कुछ फोटो शूट करें क्योंकि किसी को क्या ही पता चल रहा है बाइक किसकी है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर हम कुछ पोज कर सकते हैं। और वो गेट है, अरे बहुत ज़्यादा फ्रेम मिल गया मेरे को यहाँ पे, मतलब हम 15-20 फोटो से निकाल सकते हैं यहाँ पे। और भाई एक चीज़ और दिखाओ, ये दिखाओ ये पेंटिंग कितनी मस्त बना रही, इस पर भी हम फोटोज क्लिक कर सकते हैं। चलो भाई आ जा रितेश, हेलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द शूट। चलो गाइस, भाई सबसे पहले हम अपना लेंस चेंज करके यहाँ पे 100mm लगा लेते हैं। ओ शिट, माँ कसम भाई दोनों बैटरियां चार्ज पे लगा रही हैं घर पे, चेक कर ले यार। चल छोड़ो भी, काम करते हैं, खाते पीते हैं, घर निकलते, चल कर ला जाएंगे दोबारा। अबे यार सचमुच की मजे ले रहा है, माँ की कसम भाई, माँ कसम मैं बिल्कुल मजे नहीं रहा यार, रिकॉर्ड कर बंद कर ले यार, इतनी प्यारी जगह छोड़ के जा रहे हैं हम वापस भाई। यार मैं ऐसे ही करूंगा यार, बैटरी लाए तो तब जाना ही पड़ेगा वापस। कुछ कहना चाहोगे भाई? लग चुके हैं। हाय गाइस, आज है तीसरा दिन एंड आपको पता होगा परसों हम शूट पे गए थे, लेकिन इतनी दूर जाने के बाद हमारी बैटरी हम भूल गए थे जिसलिए हमारा शूट नहीं हो पाया। एंड लिटरली बहुत दूर गए थे हमारे घर से, वो जगह 40 किलोमीटर दूर थी मतलब पहाड़ों में जाके, बट वो जगह मुझे बहुत पसंद आई थी, तो आज हम वापस से उसी जगह पे जाने वाले हैं। बस मेरे साथ आज रितेश नहीं होगा क्योंकि रितेश आज अपनी वीडियोज वगैरह कुछ बना रहा है, तो मेरे साथ मेरे और दोस्त होंगे आज। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होता हूँ एंड मिलता हूँ आपको उसी जगह पे। एक बार हम दोबारा आ चुके हैं इसी जगह पे जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे, वापस इतने दूर दोबारा आना पड़ा, इस बार मास्टर हमारे साथ हैं। चलो ब्रो लेट्स स्टार्ट द शूट। इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि बैटरी हो, इस बार है यार बैटरी, पिछली बार की तरह इस बार मैं रखी हुई है बैटरी। सो फाइनली गाइस यहां पे बहुत मस्त फोटो आ सकती है, एक बार मास्टर जाना एक बार यहां पे, मतलब ऐसा करना जैसे तुम रोड से ऊपर चल के पैदल आ रहे हो, ठीक है? मॉडल कैनन R5 यूज कर रहे हैं आज हम इस शूट के लिए पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं। इस जगह पे अच्छी फोटो वैसे आ सकती है, ऊपर की तरफ बहुत प्यारा नज़ारा है, अगर मेरे पास वाइड एंगल लेंस होता कैमरा का तो ये हम कैप्चर करते हैं। यार क्या नज़ारा है, अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है 100mm Yongnuo एंड इससे काफ़ी मस्त डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है एंड काफ़ी मस्त एक मतलब कंप्रेशन मिलता है फोटो में, इसलिए फोटोज मस्त ब्लरी सी लग रही है, बैकग्राउंड बहुत ही कंप्रेस सा लग रहा है एंड पोर्ट्रेट्स में स्पेशली इस टाइप का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। ओके सबसे पहले तुम इस पर बैठ जाओ इस पत्थर पर, ठीक है? बैठ करना क्या है मुझे? अरे रुको तो मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ फ्रेमिंग, बैठो एक बार। ओके ओके okay.
देखो यार, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे मेरी फोटोज़ कौन क्लिक करता है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं आपकी फोटोज़ क्लिक कौन कर रहा होता है, मतलब जितनी परफेक्ट फोटोज़ आती है। मेरी फोटोज़ कोई भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे अभी मास्टर से क्लिक करेंगे हम, देखना कितनी अच्छी फोटो खींचेगा मास्टर। मास्टर भाई देखो एग्जैक्ट हमें ये फ्रेम चाहिए, ओके एग्जैक्ट, सो यू हैव टू कॉपी दिस फ्रेम। जस्ट तुम्हें थोड़ा यहाँ से ऐसे देख लो, थोड़ा सा ये एंड दिखना चाहिए इसका, ठीक है। ऐसे हम किसी से भी फोटो खिंचवा लेते हैं अपनी। एग्जैक्ट ये चाहिए था यार भाई, क्या फोटो खींचे मास्टर भाई। सो भाई देखो कितनी परफेक्ट फोटो खींचे मास्टर ने, ये देखो ऐसी फोटो कोई बंदा जिसको कैमरा चलाना आता भी नहीं है, जिसने कोई फोटोग्राफी करी भी नहीं है, ऐसे हम किसी से भी फोटो खिंचवा लेते हैं। थैंक यू। ऐसी कोई भी खींच सकता है फोटो, अगर आप उसको समझा के दोगे ऐसी खींचनी है, कैमरा सेटिंग करके दो। ओके सर, नेक्स्ट मेरे को समझ आ रही है जगह, यहाँ पे इस सीढ़ी पे अच्छी फोटो आ सकती है यार। एक काम करो तुम इस सीढ़ी के इस तरफ आ जाओ और यहाँ से कुछ मस्त फोटो खींचता हूँ, कुछ माइंड में आ रहा है। यहाँ पे ना कुछ ऐसे पोज करना ब्रो, यहाँ पे कुछ ऐसे या कुछ भी ऐसे, ठीक है। मेरी खींचना यहाँ पे, मतलब इधर घुस के खींच लेना एक बार गाड़ी के, एक बार उस उधर घुस के खींच लेना, ठीक है। चलो भाई अब कुछ करते हैं इस वाली वॉल पे। चलो भाई अब मैं सोच रहा हूँ ये जो पत्थर यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार इधर से आओ, इस पत्थर पे बैठो एक बार तुम। एंड गाइस यहाँ पे मेरे को ये फ्रेमिंग क्यों पसंद आई, क्योंकि आप एक बार दिखाओ पीछे पीछे क्या मस्त पहाड़ है, अगर ये आ गए ना फोटो में भाई साहब मज़ा आ जाएगा। ऐसा ही कुछ यार, मुझे ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स अपना ऐड कर लेना भाई, फ्लैश लाइट खोल लें, इतनी खतरनाक फोटो आ सकती है। क्या बोलते हो फ्लैश लाइट खोल लें? आ जाओ भाई फ्लैश लाइट सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे हम अब सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करेंगे और फ्लैश लाइट यूज़ करेंगे, इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, अभी जस्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मतलब ट्यूटोरियल के हाउ टू यूज़ फ्लैश लाइट या कैसे कैमरा सेटिंग्स होती है, कौन सी फ्लैश यूज़ करनी है किस कैमरा के साथ, सो कमेंट डाउन, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। अभी के लिए जस्ट आप इन्जॉय करो हम कैसे फोटो से लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो, यार अच्छी तो आ रही है फोटो यहाँ पे। ऐसा रख लो बस, इसको बाइक पे भी पड़े और उस पर भी पड़े। ओके ये लो मेरी खींचना।
ओके चलो भाई मेरी बारी है वहाँ पे फोटो खिंचवाने की, उसको 200 कर दो। सुबह यहाँ पे हमारी फोटोज काफी अच्छी अच्छी आ चुकी है और इस लोकेशन में भी रात भी हो चुकी है। फोटोज हम और भी क्लिक कर सकते थे यहाँ पे लेकिन टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी चलते हैं वापस। रास्ते में अगर कुछ बढ़िया दिखाता हूँ वहाँ पे रुक के फोटोज़ खींच लेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई पैकअप। तुम दोनों से कुछ खाना चाहता हूँ, अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि खाना क्या है, फिर रास्ते में ऐसे हम क्या खाएं यार, रास्ते में क्या खाएं।